बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के हवाले से है। आज हम देखेंगे कि रोल ऑफ फ़िलासफ़ी विद एजुकेशन क्या है। दोनों का अगर हम ताल्लुक को देखें तो एक जगह पे इनवैलिड है, फ़िलासफ़ी एजुकेशन के बगैर इनवैलिड है और एजुकेशन फ़िलासफ़ी के बगैर ब्लाइंड की सूरत में। तो लिटरेरी सेंस में अगर हम देखें तो एजुकेशन का ओरिजिन लेटिन वर्ड से है, जैसे फ़िलासफ़ी ग्रीक वर्ड से है, एजुकेशन लेटर वर्ड से है। और लेकिन दो वर्ड्स हैं, एक एजुकेयर है और एक एजुशेयर है। दोनों के अगर मीने को देखें तो एजुकेयर का मतलब नरिश है, ब्रिंग अप है और रेज है, और दूसरा एजुशेयर मीन ब्रिंग फोर्थ है या ड्रा आउट है और लीड आउट है और ब्रिंग आउट है। सो एजुकेयर का मतलब ब्रिंग अप है और एजुशेयर का मतलब ब्रिंग आउट है। एक और इसमें जो एजुकेटम का भी वर्ड यूज होता है, एजुकेटम mean the act of teaching and training। तो जहाँ पे भी हम एजुकेशन का वर्ड वैसे यूज करते हैं तो एजुकेशन का वर्ड कभी भी अकेला यूज नहीं हुआ। एजुकेशन का वर्ड जो है वो टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों सूरतों में आया। तालीमो तरबियत, तालीमो तरबियत वर्ड आपको मिलेगा। तालीम बहुत कम है जो अगर हम इस्तेमाल करें, और वो एजुकेटम से है जिसका मतलब एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सो एजुकेशन को अगर हम देखें तो ये ब्रिंग अप है और ब्रिंग आउट है। और ये ब्रिंग अप और ब्रिंग आउट क्या है, ये उस इंसान की तमाम उन सलाहियतों की नशोनुमा करता है, उनको परवान चढ़ाता है, उनको उजागर करता है और फिर उनको अजहार करने के काबल बनाता है। वो सलाहियतें कौन सी हैं, वो पांच छह किस्म की इंसान के अंदर सलाहियतें हैं, जिसमें एक सलाहियत उसकी फिजिकल है, एक उसकी इंटेलेक्चुअल है, एक उसकी मॉरल है, एक उसकी इमोशनल है, एक उसकी सोशल है और एक उसकी जो स्पिरिचुअल है। ये जितनी भी मैंने आपके सामने उसकी सलाहियतें बयान की, इन सलाहियतों की नशोनुमा करना, इन सलाहियतों को परवान चढ़ाना, इन सलाहियतों को नर्श करना और फिर इन सलाहियतों को इजहार के काबिल बनाना, टू ब्रिंग फोर्थ, टू ड्रा आउट, टू लीड आउट, ये एजुकेशन का काम है। और फिर इनको नशोनुमा करके, इनको उधार करने के काबिल बना के, उसकी सीरत करदार की तमीर करके, उसको सोसाइटी का एक मुफीद फर्द बनाना, ये तालीम का बेसिक फंक्शन है। और यहीं से हमने तालीम के वर्ड को भी ड्राइव जो है वो किया हुआ है। सो मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज एन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है। एजुकेशन जो है वो टूल टू डिसिप्लिन द इंटेलेक्ट है। एजुकेशन प्रिपरेशन फॉर लाइफ है। एजुकेशन डायरेक्शन है। एजुकेशन ग्रोथ है। एजुकेशन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है। सो एजुकेशन इज एन एक्टिविटी थ्रू विच नॉलेज, एटीट्यूड, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, स्किल्स, वैल्यूज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च। तो तालीम का जहाँ मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, टूल टू डिसिप्लिन द इंटेलेक्ट है, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ है, डायरेक्शन है, ग्रोथ है, वहीं पर ही प्रजर्वेशन ऑफ कल्चर, कल्चरल हेरिटेज है। तालीम आपके सकाफती विरसे का तहफ़ ना सिर्फ तहफ़ करती है बल्कि उसको मुंतकिल करती है। तहफ़ भी है, मुंतकली भी है, उसकी डिवेलपमेंट भी है। तो ये हम एजुकेशन की सूरत में जब देखते। अजीज तुलबा, उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर कवर किए गए तमाम सवरात के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अल्लाह तमाम का हामी और नासर हो।